कल शाम हम यहाँ 4 बजे खड़े हैं। तो आपकी गाड़ी में क्या है? मेरी गाड़ी में एप्पल लोड है, सेब लोड है गाड़ी में, पूरा गाड़ी सेब का है। तो पुलिस वाले उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है जाओ चुपके से गाड़ी में बैठो जाते, ठीक है। आपकी गाड़ी में क्या है? गाड़ी में सेब लोड है, ठीक है। हमारा तीसरे का मंडी था, ठीक है, 10,000 रुपये इनाम मारा गया हमारा, प्लस पार्टी बोल रहा है कि हमारा गाड़ी नहीं आएगी टाइम से, तो भाड़ा नहीं। जो दुनिया को खाना खिलाता है ड्राइवर, आज ड्राइवर का जिंदगी इस बदतर हो रहा है। देखिए आप किस तरह सड़क मेरे खाना खाया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे कहले है ना कि क्या करें हम लोग, हम सब स्टेट जाते हैं लेकिन बंगाल आने के बाद हम लोग पूरा भूखे प्यासे मर रहे हैं। अभी अभी खाना हम लोग बंगाल आने के बाद, बंगाल आते हैं तो हम लोग का आत्मा हिल जाता है। बंगाल जितना बंगाल में प्रॉब्लम है, बंगाल में हम लोग सबसे ज्यादा परेशानी है, कोई असर में इतना प्रॉब्लम नहीं जितना बंगाल में प्रॉब्लम। एक बार एक बंद हो जाता है, एक बार एक बंद। मौजूद हूँ झारखंड और बंगाल के सीमा पे। लगातार पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण मैथन डैम और पंचेत डैम की जलस्तर में काफी बढ़ाव आ गया था, जिससे मैथन डैम और पंचेत डैम के कई फाटक खोल दिए गए थे। फाटक खोलने से पश्चिम बंगाल के निचले कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इससे गुस्सा होकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल झारखंड से बंगाल जाने वाली सीमा को सील कर दिया है, ताकि झारखंड से कई भी मालवाहक गाड़ी को बंगाल नहीं जाया दिया जा रहा है। अहमदाबाद से आलू लोड किया हूँ सर, और कलकत्ता के लिए अचानक रोड यहाँ पे बंद कर दिया। चुकुंडा बोल पहले सूचना दिया रहा था कि गाड़ी बंद होगा, हम लोग नहीं भर रहे थे आलू। जब से प्राइम मिनिस्टर बैठी है बंगाल में, तब तक तहलका मचा, गाड़ी वालों को नस तोड़ दिया एकदम। किसी भी कोने में जाओ बंगाल में, सिर्फ रुपया की बात होता है। पुलिस वाला 200, 300, 400, 500 इतना तो मांगता है। गाड़ी फंसने से कितना का नुकसान हो रहा है आपको? गाड़ी तो कम से कम 5 लाख का नुकसान है सर, सिर्फ माल का। कहाँ जा रहा है? हम लोग जो परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद से आ रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं सर। तो ये आलू का ये क्या बना करके रखे हुए हैं? आलू टांग दिए सर, नमूना के लिए, कच्चा माल के लिए गाड़ी छूटेगी, इसलिए आलू यहाँ पर लगा दिया। होते पानी चूर आलू में, आलू खराब हो चुका है इसका, आलू खराब हो रहा है सर। मेरा भाड़ा कट जाएगा, गाड़ी मेरी खड़ी कर लेगी, गाड़ी खड़ी कर लेगा सर। अब यहाँ देख सकते हैं बंगाल से गाड़ी झारखंड जा रही है, पर झारखंड से गाड़ी को बंगाल मालवाहक गाड़ी को बंगाल नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बंगाल से झारखंड गाड़ी पार हो रही है। अब इस पर अगला कदम देखा जाएगा कि ये जो लंबी जाम लगी हुई है, ये जाम कब खुलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे गाड़ी में आम है, गाड़ी में सेब है, किसी के गाड़ी में आलू है, तो इसमें सड़ने का चांस रहता है। और जिन्होंने मैं इनसे बात किया तो बताया जाता है कि इसे सड़ने का भी चांस रहता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, अब ये मैथन डैम है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर है। इस बॉर्डर में एक तरफ उस तरफ बंगाल की सीमा है, तो हमारे इस तरफ झारखंड की सीमा है। और बंगाल और झारखंड की सीमा को बाढ़ के कारण सीएम ममता बनर्जी ने रोक दिया है, ताकि मालवाहक गाड़ी को इस पार से उस पार ना जा सके। अब कल 7 बजे से हम लोग जाम में खड़े हैं, मगर सरकार ही नहीं सोच रही कि ड्राइवर लोग भूखा मर रहा है कि खाना पा रहा। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, ना चाय मिलेगा ना खाना मिलेगा, कैसे हम लोग गाड़ी चलाएंगे बताइए। कहाँ जाना है? हाँ, कलकत्ता जाना है। क्या है गाड़ी में? वो 40 लोड है। अच्छा, तो खराब होने का भी शंका है, धूप में खराब भी होने का? धूप में खराब भी हो सकता है साहब, बताइए। जो है कि कल अभी शाम से हम लोग पड़े हैं।